नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं काजल। शहर में आए दिन जाम लगना आम बात हो गई है। जाम लगने का मुख्य कारण सड़क पर अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था नहीं होना है। दूसरी तरफ शहर में हर तरफ खुदाई होने से पार्किंग की समस्या ने हर तरफ विवाद को ही जन्म दिया है। यह है धनजीबाई का नोरा जो शहर के मध्य स्थित है। इस नोरे के सकड़े सरास्ते में जहां कारोबारी क्षेत्र है वहीं यहां रहवासी क्षेत्र भी है। धनजीबाई के नोरे में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जहां आवाजाही में नागरिकों तथा वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वहीं वाहनों को लेकर विवाद होना रोजमर्रा का काम हो गया है। आए दिन विवाद होने पर इस समस्या का पुलिस और नगर निगम कोई समाधान नहीं कर सके हैं जिससे क्षेत्रीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों ने पार्किंग समस्या पर बताया, लोग रहते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ मार्केट बना रखे हैं, गाड़ी रख देते हैं, यहाँ जगह ही नहीं रहती है निकलने की। कभी आग देनी हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं आए अंदर। और क्या समस्या है इधर? और क्या समस्या, यही समस्या, गाड़ी हटवाओ यहाँ से सब। इससे मार्केट बना रखे कोई की यही नहीं पार्किंग यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सोनी। ये धनजीबाई का नोरा है। यहाँ पे पार्किंग जितना भी है, जैसे मार्केट बने हुए हैं यहाँ पे, जितने भी मार्केट बने हुए हैं यहाँ पे किसी ने पार्किंग नहीं दे रखी है। मतलब रहवासियों को यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है और यहाँ पे कुछ भी हादसा हो जाए तो कुछ भी एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है प्रशासन से कि यहाँ पे पार्किंग की सिस्टम करें और जो भी मार्केट है जो भी है इनको अलर्टमेंट दे के मतलब आप पार्किंग स्थल यहाँ बनाएं या कुछ भी करें या कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था कुछ भी प्रशासन यहाँ पे आके कुछ व्यवस्था करें। कहते हैं सुविधाएं मिले तो हर चीज चमक उठती है। जावरा का जवाहर बाल उद्यान इसका प्रमाण ही है। लंबे समय से इस उद्यान की तरफ जिम्मेदार मुंह मोड़े थे लिहाजा यह उद्यान उजड़ा चमन बन रहा था। नगर परिषद में कमान सीईओ के हाथों में आते ही उद्यान की सूद ली गई। इस उद्यान के लिए मिले टैंकर और ट्रॉली के बाद सुचारू रूप से उद्यान के पौधों को पानी मिला और कचरा साफ होने लगा तो यह उद्यान अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरने लगा। गर्मी के पहले मिली यह सौगात अब गर्मी और छुट्टी के समय नागरिकों के लिए राहत भरी होगी। उद्यान के लिए सुविधाएं जुटाने पर सीईओ का स्वागत कर उद्यान को हरा भरा और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। ध्यान प्रभारी, क्या ये टैंकर का क्या मांग थी आपकी प्रशासन से? हमार को बहुत दिनों से बगीचों में समस्या आ रही थी, कॉलोनियों के अंदर कॉलोनी वालों की शिकायत थी। पानी की सिंचाई के लिए टैंकर और ट्रैक्टर की और कचरे की बहुत समस्या आ रही थी तो हमार को टैंकर और ट्रैक्टर सीएमओ साहब ने उपलब्ध कराकर हमारी समस्या मिटाई और हमारे कर्मचारियों में एकदम खुशी की लहर मिट गई। डाकघरों के सरकारी हिसाब में घोटाला होने का मामला पुलिस थाने पहुंच गया है। बताया जाता है कि 1,00,000 रुपए से अधिक का गबन अब पुलिस तक पहुंचा है जिसकी जांच की जा रही है। पिपलोदा पुलिस के मुताबिक यह गबन का आरोप उप डाकघर पिपलोदा बड़ाएला माता जी और सेराना का है जिसमें शासकीय राशि का उपयोग निजी काम में किए जाने का आरोप है। पिपलोदा थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि उप डाकघर पर पिपलोदा में 1 जुलाई 2015 से 7 जुलाई 2018 के बीच डाकघर खातों में जमा राशि 1,05,500 रुपए को सरकारी हिसाब में ना दिखाकर राशि का गबन किया। बहरहाल पुलिस ने गबन के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी थाना पुलिस ने बड़ायला माता जी के शाखा डाकघर में गबन के मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बड़ायला माता जी के शाखा में भी खातों में जमा राशि को सरकारी हिसाब में ना दिखाकर राशि का गबन किया है। बताया जा रहा है कि यहां 71,500 रुपए की राशि के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में भी धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। सेलाना थाना पुलिस ने भी उप डाकघर की राशि का उपयोग निजी काम में करने के मामले में अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि सेलाना उप डाकघर के तत्कालीन अनुराग पाल ने डाकघर की शासकीय राशि का अपने निजी काम में दुर्विनियोग किया। सरकारी पैसे का निजी काम में दुर्विनियोग के मामले में थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया। बड़ौदा नगर में नगर पंचायत की कमान एक अधिकारी के हाथों में आते ही नगर को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त करने की शुरुआत हुई। नवनियुक्त प्रशासक एसडीएम राहुल धोटे ने शहर में भ्रमण कर गंदगी फैलाने एवं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।
बड़ावदा कस्बा में हो रहे अतिक्रमण और कस्बे में फैली गंदगी को दूर करने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या। नगर पंचायत का ध्यान अभी तक नहीं था, लेकिन जैसे ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हुआ और नगर पंचायत की कमान एक युवा आईएएस अधिकारी एसडीएम राहुल धोटे के हाथों में आई तो शहर में स्वच्छता को लेकर नगर पंचायत जागृत हुई। नगर पंचायत प्रशासक के रूप में एसडीएम राहुल धोटे ने कस्बे का भ्रमण किया। कस्बे में गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन किए। कस्बे के यातायात में बाधक बने अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वयं खड़े रहकर कार्रवाई की और अतिक्रमण हटवाए। इस कार्रवाई पर जावरा एसडीएम और नगर पंचायत बड़ावदा के प्रशासक राहुल धोटे का कहना है कि सर, बड़ावदा का बस स्टैंड जो यहाँ पर नगर पंचायत परिसर में लग रहा है, क्या अगला आपका अगला कदम यह रहेगा? बस सारे स्टॉप यहाँ रहेगी? बस स्टॉप को लेकर शिकायतें हैं जन सामान्य को लेकर, कुछ लोगों का अलग कहना, कुछ लोगों का अलग कहना, चूंकि बाहर है, लेकिन चूंकि ये बस स्टैंड बना हुआ है तो प्रयास यही होगा कि यहाँ बस स्टैंड शिफ्ट हो और यहाँ का। अभी तक तो यहाँ पे कोई भी बस नहीं रुक रही, ये शिकायत मुझे मिली है। आज पहला दिन है, एक बार मैं भी रिव्यू कर लूँ कि किस तरीके से इसको फंक्शनल किया जा सकता है। तत्पश्चात पेयजल व्यवस्था में आपने क्या पाया सर, यहाँ पर स्थिति क्या, आप बोल रहे कमी पाई गई? मैं कह चुका हूँ कि फिर से कह रहा हूँ, स्वच्छता को लेकर हमें ज्यादा कार्य करने की जरूरत है और थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है शहर को, जो अभी अस्त व्यस्त सा है कि जैसे हॉकर जोन नहीं है, कोई कहीं पे भी मन मर्जी से कार्य कर रहा है। थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, व्यवस्था और स्वच्छता ये दो मेजर रहेंगे जो अभी प्राथमिक रूप से देखने को मिल रहा है। देश के वीर शहीदों की याद में ग्राम दंतोड़िया में एक शाम वीर शहीदों के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों की रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं घटला गांव के वीर शहीद चंपालाल मालवीय के परिवार का सम्मान करते हुए नगद आर्थिक मदद भी की। बालाजी ग्रुप दंतोड़िया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दंतोड़िया सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना थे। बिलपांग थाना प्रभारी अमित शारस्वत विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम में घटला गांव के निवासी वीर शहीद चंपालाल मालवीय के परिजनों का विशेष रूप से सम्मान किया। शहीद चंपालाल की माताजी को तिरंगा दुपट्टा पहनाया गया। विधायक दिलीप मकवाना ने 10,000 रुपए अपनी ओर से शहीद के परिजनों को प्रदान किए। समाज सेवी अशोक पाटीदार ने भी 5,000 रुपए शहीदों के परिजनों को प्रदान कर सम्मान किया। एक शाम वीर शहीदों के नाम इस कार्यक्रम से पूरा गांव देशभक्ति के रंग में झूम उठा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश, जहाँ तुम चले गए।